जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और ये वीडियो के लिए था बाय द वे, ये नया वीडियो हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे, एंड ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे, लविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। लविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, अभी मैं आपको बताता हूँ, यानी आप देखिए, गुरु द्रोणाचार्य के दुख का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके सामने अर्जुन खड़ा था। पितामह भीष्म का सबसे बड़ा दुख था कि उनके सामने अर्जुन खड़ा था। हाँ या ना, इवन कई 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 जगह पे टोटल 3 बार ऐसा भगवान को करना पड़ा कि अर्जुन, जो कि नरश्रेष्ठ कहा जाता है, सबसे बड़ा योद्धा और पराक्रमी वगैरह वगैरह, ये बार बार उल्लेख आता है कि अर्जुन को केवल महादेव ही पराजित कर सकते हैं, और कोई नहीं। कितनी बड़ी बात है दोस्त, कितनी बड़ी बात है ना। बट अर्जुन की वजह से भगवान कृष्ण 3 बार ओवरली फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, पता है, ओवरली फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, है ना। तो एक बार वो खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान के बैठ गया, दूसरी बार वो युद्ध को पर्सनलाइज करने लगा तब, और तीसरी बार जब उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया, तो भगवान कृष्ण सोच रहे यार ये क्या बच्चे जैसा बीच बीच में इसको ये आ जाता है, मूड आ जाता है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। तो लविंग लविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये जो है किसी को भी, तो इसके इसमें ना इम्पोर्टेंट बात क्या आती है पता है, कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करें एक्सपेक्टेशन से होता क्या है, एक्सपेक्टेशन से होता क्या है। जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो दो चीजें होगी, कितने होगी, दो चीज। जब भी आप कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हो दो चीजें होगी, या तो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी या तो नहीं होगी। हाँ ना, अब अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आपको आएगा क्या, बताओ, टाइप करो, पूरी नहीं होती तो क्या होगा, कुछ आएगा। तो कई सारे लोग यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं, आप सब लोग सही हो, हमें आएगा गुस्सा, क्रोध, है ना। अब ये निगेटिव एनर्जी को कई सारे, यानी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, दुख हो सकता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब दूसरी साइड में चलते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई तो, एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई तो क्या होगा, और बड़ी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और एक दो लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, हैप्पीनेस, आनंद, ओके, सेटिस्फेक्शन, रेज हैप्पीनेस, प्लेजर, ओके। जय श्री कृष्णा, कृपया इस भ्रम से बाहर आए कि जब एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है तो इंसान खुश होता है। ना 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 अर्जुन ना, जैसे ही एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है आदमी 2-3 मिनट सेलिब्रेट करता है, 2-3 दिन सेलिब्रेट करता है, और अगले टारगेट के पीछे लग जाता है। यस, जेके डी सर ने कहा, नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन, ये जीवन की सच्चाई है दोस्त, ये जीवन की सच्चाई है। और इसी वजह से हम इंसान ग्रो हो रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, इसी वजह से इंसान ग्रो हो रहे हैं। बट यहाँ पे एक फंडामेंटल मिस्टेक हो जाती है, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, परमिशन है, यस। तो एक फंडामेंटल मिस्टेक क्या हो जाती है पता है आपको, हम हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरे के जीवन में ऐड कर देते,
मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी या फिर यह उम्मीद है, सभी दुखों का कारण, सभी दुखों का कारण। अब होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको कंटिन्यूअसली उसके भले की बात करो, पार्ट वन। दूसरी बात है, किसी का भला करना है, स्पेशली इंसान का, यानी इवन आई विल टेल यू, मेरा एक दोस्त था, मैं जब नांदेड़, नांदेड़ में डॉग ट्रेनिंग स्क्वाड है पुलिस का, ओके, तो वहां बहुत ज्यादा तो नहीं, चार डॉग्स को ट्रेनिंग दिया जाता था और मेरा एक दोस्त वहां काम करता था। अब ये पुरानी बात है, और मैंने उसे बोला कि यार ये कुत्तों को कैसे ट्रेन कर लेते हो तुम, ना यू नो नॉट इजी, और वो भी पुलिस के डॉग्स हैं। तो कहता है यार कुत्तों को ट्रेन करना बहुत आसान है, इंसानों को करना बहुत मुश्किल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं बोलता यार मजाक कर रहे थे वो, उसने मुझे बोला मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी ब्रीड का, ये गावरान कुत्ता भी दे देना, गांव वाला होता है ना रोड पे घूमने वाला, मैं उसे महीने डेढ़ महीने में ट्रेन करके दिखा सकता हूँ, और सबसे सद्गुणी सबसे अच्छा वाला इंसान भी देना, हो सकता है 10 साल बाद भी वो बदले नहीं। तो इंसान की ये मूलभूत प्रवृत्ति को, प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। अब एक्सपेक्टेशन से क्या हो, एक्सपेक्टेशन से या तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी अगर हमारी है तो, अरे बढ़ेगी अगर हमारी है तो बढ़ेगी, हाँ या ना? बट अगर हम एक्सपेक्टेशन की जगह, एक्सपेक्टेशन की जगह कोई ग्रोथ फॉर्मूला लाते हैं, ग्रोथ फॉर्मूला लाते हैं और खुद को कर्ता ना मानते हुए वो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो डेफिनेटली प्यार के साथ साथ प्रगति होगी, है ना? एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वहां पे, जब एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते, तब जब एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते हैं तब इंसान निगेटिव एनर्जी से एक्सचेंज करता है ना? मैंने बोला था ना तुमको ऐसा होगा, आप देखो भूख तो है ना, चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी, चेहरे को कितनी बार बताने नहीं, क्या समझते नहीं है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सपेक्टेशन से बचे, एक्सपेक्टेशन से बचे और आगे बढ़े। अब कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कैसे करना है थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा प्रोग्राम ये होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रोग्राम ये होना चाहिए कि ये जो सामने वाली व्यक्ति है उसका बेटरमेंट मेरा दायित्व है, सामने वाले व्यक्ति का बेटरमेंट, उसकी प्रगति मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक शब्द उसमें ऐड करें, मैं पेशेंस, व्हाट इज द वर्ड, पेशेंस रखकर ये जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा या निभाऊंगी, ये खुद का प्रोग्राम होना चाहिए। जब हम ये प्रोग्राम खुद का करते हैं तब हमें पता चलता है कि जैसे ड्राइविंग स्कूल में होते हैं ना वो लोग, वो क्या करते हैं, एक क्लच ब्रेक खुद के पास रखते हैं, एक तुम्हारे पास, है ना? गलती हो गई तो ठीक कौन करेगा, कोच, है ना? और गलती अगर नहीं हुई तो शाबाशी किसे मिलेगी, स्टूडेंट को। ये वाला एटीट्यूड चाहिए दोस्तों जीवन में, तब जाके हम प्यार कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन। सामने वाला, आई विल टेल यू, हमेशा याद रखे, पीपल एंड परिस्थिति, पीपल एंड परिस्थिति, ये परफेक्ट तो है नहीं, है क्या, हाथ दिखाई कृपया, नहीं, लोग परफेक्ट नहीं है, परिस्थिति परफेक्ट नहीं है, तो आउटकम परफेक्ट कैसे आएगा? पर हमें वह पेशेंस रखना पड़ेगा जैसे एक ड्राइविंग का कोच रखता है। अब आपको पता है दोस्तों, जब कोई मान लो कार सीख रहा है और सामने कोई व्यक्ति आ जाती है, टक्कर हो जाती है, तो जान पे बन सकती है, हाँ ना, बराबर है? तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला बड़े से बड़ी गलती कर सकता है, बट वो गलती ना होने देना, उसको उससे बचाना, ये दायित्व वो कोच लेता है खुद पे, हाँ ना? और धीरे 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 यह पूरी एक्टिविटी में, कृपया मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये पूरी एक्टिविटी में कोच का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है,
एक ही टारगेट होता है कि मेरा ये जो विद्यार्थी है वह इंडिपेंडेंट बने। अब आगे वाली बात समझना दोस्तों, जैसे आपका ड्राइविंग क्लास पूरा हो जाता है, आपका लाइसेंस आपको मिल जाता है, वो कोच आपके जीवन से भुर हो जाता है ना। वो हर हफ्ते आके आपके यहाँ चाय नहीं पीता, मैं आपको गाड़ी सिखाई है बोलने के लिए, है ना। तो कई बार प्यार के नाम पे लोग पोजीशन पाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को और क्षमा करें मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ। कई बार प्यार के नाम पे लोग पजेसिव हो जाते हैं, पोजीशन पाना चाहते हैं, और ये पोजीशन ही उनको प्यार करने से रोकता है। आप देखिए पति पत्नी में देखिए, बच्चा माँ बाप और बच्चे में देखिए, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, इतने सारे एक्सपेक्टेशन है, तो वो प्यार बाजू में हो जाता है। एक्सपेक्टेशन की ही रिपीटेशन 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 होती है। हाँ या ना, है ना। कैसे चल रही है पढ़ाई, कैसे चल रही है नौकरी, खाना कैसे बना है, इसका क्या प्लान है, उसका प्लान क्या है, घूमने कब लेके जाओगे, ये कब करोगे, वो कब करेंगे, ये कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जो कोर ऑब्जेक्टिव है वही नहीं होता। और यहाँ पे दोस्तों एज अ पेरेंटिंग कोच, एज अ करियर कोच, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ। भगवान की दया से काफी सारे लोग सीख रहे और सो फार सो गुड, अच्छा काम कर पा रहे हैं। मैं हमेशा उनको सिखाता हूँ एज अ पेरेंटिंग कोच, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो एज अ पेरेंट मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा एक रोल है एक पंछी के भांति। पंछी जब घोंसले में अंडा देता है ना, उसे पता होता है इस अंडे से एक बच्चा आएगा, और वो बच्चा आने वाले समय में अपना अपने आप उड़ना, घर बनाना, शिकार करना सीख जाएगा। हाँ यार, थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, दैट्स इट दैट्स इट। तो हम भी हमारे जीवन में यही ऑब्जेक्टिव रखें कि सामने वाले को, जो भी हमारे जीवन में हमारे प्रिय व्यक्ति है, उसे खुद को प्रॉपरली और फुल्ली उसके पोटेंशियल के अनुसार एक्सप्रेस करने के लिए कैटलिस्ट का काम करना, मतलब प्यार करना। हाँ यार ना, अब हमारे यहाँ लॉजिकल ब्रेन बहुत बढ़ गए हैं। उनको लगता है प्यार करना मतलब चॉकलेट देना, चीजें देना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, लाड़ प्यार करना मतलब क्या, आदतें बिगाड़ देना। हाँ यार ना, क्षमा चाहूंगा मेरे शब्दों के लिए, बट ये बोलना जरूरी है, दैट्स नॉट लव, दैट्स नॉट लव, है ना। अब सामने वाले को पसंद आए ना, क्या आपने नोट किया कल हमारे घर में 4 डायरी आई, है ना। तो इस साल अनुष्का को एक डायरी मिल गई, अभी उसकी अपनी खुद की डायरी, यू नो, उसकी अपनी खुद की डायरी। हमारे दीदी के पास 2 डायरी है इस साल, अभी 2 डायरी, शी वांटेड टू हैव टू। ओके, उसका वो क्या करेगी किसी दिन वही बता देगी, बट शी हैज टू, एंड आई हैव इंजीनियर्स डायरी। आई एम नॉट एन इंजीनियर बट आई हैव गॉट इंजीनियरिंग डायरी, है ना। तो ये भी देख सकते हो अनुष्का के हाथ में। यस वाओ, थैंक यू बेटा। अब ये कहाँ से आ गई, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे फोकस खुद पे नहीं है, फोकस खुद पे नहीं है, और ये चीजें और ये डिसिप्लिन हो सकता है उनको अनकंफर्टेबल करे। आप में से कितने लोग जानते हो आसान नहीं है रोज 5 बजे उठना, है क्या नहीं है। अब वो अनकंफर्टेबल फील करे तो मेरा दायित्व तो है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, है ना। मेरे पास आई विल टेल यू पूरे 124 दिन का रिकॉर्ड है कि क्षितिजा ने लॉग इन कब किया। फाउंडर है ना, हाय ना, यस। तो मुझे ये भी पता है कि किस किस दिन वो गायब भी रही इससे, फैम क्लब से। अब इंसान ही स्वीकार करे, इसी को तो प्यार कहते हैं ना दोस्तों, इंसान ही स्वीकार करे इसी को प्यार कहते हैं। और एट द सेम टाइम
Even if I make her uncomfortable in front of all of you, it's okay for her own betterment. है ना? देखो प्यार करना मतलब क्या है, आपको सोनार बनना पड़ेगा. यू नो सोनार, वो लोहे को गर्म करता है, उबालता है और उसको ठोकता भी है, टिक 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 टिक. नहीं तो जस्ट इमेजिन करे, सोनार को कच्चा सोना मिल गया और बोले इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसको मैं ठोकूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, गर्म नहीं करूंगा, क्या होगा सोने का? वो बोलेगा इससे तो अच्छा मैं माता क्या कहते हैं वसुंधरा के गर्भ में, अच्छा था मेरे को बाहर क्यों निकाला, मेरे को तपाओ. अब ये जो है ना, ये प्यार की सच्ची व्याख्या है, यह प्यार की सच्ची व्याख्या है ना? आप वो हर चीज करो, वो हर चीज करो जो आपके नियर एंड डियर वन के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन इफ दे डू नॉट लाइक इट. इवन इफ दे डू नॉट लाइक इट. सचिन को मैं एक बार सुन रहा था, सचिन तेंदुलकर को, उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आचार्य कर गुरु जी का, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे भी दिन आए प्रैक्टिस करते वक्त जब मुझे लगा कि अब अगर मैं दो चार बॉल और खेलूंगा तो शायद गिर जाऊंगा, फिर भी आचरेकर सर ने मुझे बैट छोड़ के रेस्ट करने की परमिशन नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी. और फिर कई 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 सालों बाद मुझे उस बात का आभास हुआ कि एक दिन चेन्नई में मैच चल रहा था, ह्यूमिडिटी हाईएस्ट थी और सचिन वो इकलौता क्रिकेटर था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों साइड की टीम मिलाकर जिसको क्रैम्प नहीं आ रहे थे. जय गुरुदेव, है ना? सोचिए दोस्तों, सोचिए कितना अनकंफर्टेबल किया होगा सचिन को आचरेकर साहब एक्स्ट्रा फिटनेस के लिए. क्या आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात? यहाँ आपका एक स्टूडेंट है जो शायद गिर जाए, इतना थक चुका है ना? बट गुरुदेव उसको पीछे लग रहे, पीछे लग रहे नहीं. यू नीड टू हैव दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी. गिव मी अ मिनट. चलो स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं. वो मिल नहीं रहा, बट क्या आपने एटलीस्ट एग्जाम्पल को नोट किया कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा. तो प्यार वही जो सामने वाले के भले के लिए उसको अनकंफर्टेबल करे, प्यार वही जो उसको जब चाहिए तब खुद पे फोकस हटा के उसको सपोर्ट करे. नहीं तो दोस्तों ये जो सेटअप है, ये जो फोकस है, जिसे मैं शब्दों में कहूंगा कि सामने वाले का बेस्ट वर्जन सामने लाना ऑब्जेक्टिव हमारा हो, तभी और केवल तभी हम विदाउट एक्सपेक्टेशन प्यार कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं. अब अगर किसी को ये लगता है प्यार की डेफिनेशन हग करना है ना, साथ में टाइम स्पेंड करना है, पार्टी करना है, तो वो अलग अलग प्यार होगा. लाइफ के बेटरमेंट की बात जब आएगी तब यही अप्रोच सबसे अच्छा होगा. टू बी लव समवन, सो वी हेल्प दैट नेक्स्ट पर्सन टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ. अब देखिए भगवान कृष्ण का कितना ज्यादा फोकस था अर्जुन पे. हाय हाय, यानी कभी कभी तो मुझे लगता है वो बीच बीच में भूल जाते थे कि वो स्वयं विष्णु है, सब कुछ कर भी देते और फिर भी कहते कि मैंने तो कुछ नहीं किया. तो ये भी बहुत जरूरी है प्यार में, अनकंडीशनल लव में, एक्सपेक्टेशन के सिवा लव में, कि खुद को करता नहीं मानना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को करता नहीं मानना चाहिए. दो चीजें, जब खुद को करता मानते हैं ना तो हम थोड़ा सा बॉसी बन जाते और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते है ना, हमें लगता है हम ही सामने वाले के भविष्य को सुधार देंगे, जीवन को सुधार देंगे, ऐसा नहीं होता. दूसरा, सामने वाले को भी करता नहीं मानना है ना, अधिष्ठान करता कर्म, अधिष्ठान करता कर्म, पृथक चेष्टा और दैव, पांच चीजों के कॉम्बिनेशन से सामने वाले के भी रिएक्शन आ रही है, तो इनको भी स्वीकार करते हैं.
और जब ये कॉम्बिनेशन आएगा तब एक्सपेक्टेशन की जगह प्लान आएगा, एक्सपेक्टेशन की जगह प्लान आएगा। इवन तब जब चीजें एज पर प्लान नहीं होती तब हम सोचेंगे व्हाट्स नेक्स्ट, क्या सोचेंगे व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है। फोकस एक्शंस पे होगा, फोकस ब्लेम गेम पे नहीं होगा, फोकस एक्सपेक्टेशन पे नहीं होगा। ये बेहद जरूरी है दोस्तों। तो वन लाइन में अगर मुझे कहना है तो आप अगर फैसिलिटेट, व्हाट्स द वर्ड, फैसिलिटेट कर सकते हो सामने वाले की जर्नी को उसके बेस्ट वर्जन में बनने के लिए, और एज अ कोच, ड्राइविंग का जो कोच होता है बाजू वाला व्यक्ति, सामने वाले को दुर्घटना से बचाओ, सामने वाले को दुर्घटनाओं से बचाओ, और जब भी अच्छा करे उसको क्रेडिट दो, और फाइनल ऑब्जेक्टिव ये मन में रखे कि ये व्यक्ति आज नहीं तो कल इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, अपना खुद का कुछ करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो क्षितिजा इज इन 12th साइकोलॉजी सीख रही है, शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द फाइनेंस काउंसलर्स। आज वो मेरे साथ काम कर रही है, मुझसे सीख रही है, बहुत अच्छी बात। अब वुड इट बी वेरी ग्रेट, हाया ना, आप मुझे बताइए कि अगर 22वें साल में क्षितिजा अगर शुरू करते हैं क्षितिजा काउंसलिंग सेंटर, कितनी बढ़िया बात होगी ना। 22वें बर्थडे को वो जाती है, वो मुझे बुलाती है। अब वहां में सोहम का बोर्ड देखू तो यार दुख ही दुख होगा मुझे, सोहम क्यों नहीं बोले, क्षितिजास कहाँ से आ गए। हाँ यार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उस वक्त मुझे एक्चुअली एज अ कोच आई नीड टू फैसिलिटेट दिस जर्नी, मुझे उसको वो सपना हाथ से देना है, मुझे वो उसको वो सपना हाथ से देना है कि बेटा पंख तुम्हारे हैं, जीवन तुम्हारा है, ध्येय तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, एम्बिशन तुम्हारी है, एबिलिटीज तुम्हारी है, कैपेबिलिटीज तुम्हारी है, नॉलेज तुम्हारा है, लर्निंग तुम्हारी है। तो अब इसके साथ तुम आगे बढ़ो और ऊंची उड़ान दो। हाँ, हम बाजू में बैठे, गलती से तुम ब्रेक वेक मारना या फिर इधर उधर जाओ तो मेरे हाथ में भी कंट्रोल है, बट जीवन तुम्हारा है, उड़ान तुम्हारी है, सपने तुम्हारे, आगे तुमको बढ़ना। वहां अगर मैं मेरा डोमिनेंस लेके चलूं तो नहीं चलेगा बस, नहीं चलेगा। सो आई विल टेल यू आई एम प्राउड कि आज तक ये जो कंसल्टेशन इंडस्ट्री है, मैं चार अलग अलग ब्रांड के फाउंडेशन में भागीदारी है रही है मेरी, और अच्छा लगता है ना, है ना। खुद को करता नहीं मानना, सामने वाले को करता नहीं मानना, फोकस खुद पे नहीं रखना, सामने वाले की बेस्ट वर्जन कैसा बने उसका, उस पे जब रखेंगे तब जाके अनकंडीशनल प्यार कर पाएंगे, नहीं तो संघर्ष अटल है दोस्त। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, है ना। और यानी मैं बार बार खुद को बताता हूँ, एंड कृपया आप भी रिलेट कर पाए, अगर रिलेट कर पाए तो सीखिए, आगे जाइए, नहीं तो चिंतन कीजिए इस बात। पूरा जग जो है ना अटका पड़ा है इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और जो चीजें हमें पसंद नहीं उनको टालने के लिए, दो ही चीजें, पेन और प्लेजर, पेन और प्लेजर। हम जो भी करते हैं या तो प्लेजर की प्राप्ति के लिए या पेन को टालने के लिए, और इससे आगे बढ़ना, इससे आगे बढ़ना, इससे आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम किसी भी इच्छा को अनियंत्रित होने से बचाएं। देखो इच्छा जरूरी है, एम्बिशन जरूरी है, व्हाई नॉट, होनी चाहिए ना, पर वो अनियंत्रित ना हो। अनियंत्रित इच्छा दुख का और तनाव का कारण बनती, दुख का और तनाव का कारण बनता है। तो अनियंत्रित अनियंत्रित इच्छा और अपेक्षाओं से बचे। और एक छोटा सा यहाँ पे लिखा था, ओके, अब पता नहीं ये क्या सवाल है, बट क्षमा करें मुझे मेरे अज्ञान के लिए। What should we do when we see money fallen on ground? क्या करना है माता लक्ष्मी?
अभी आप पे निर्भर करते हैं, आप कौन हो। अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मैं आजू बाजू में देखता हूँ, किसी को जरूरत है उसको इधर से उठा के उसको दे देता हूँ, ये मेरी आदत है ना। क्योंकि पता नहीं अपने अपने संस्कार है, मुझे मेरे पिताजी ने कहा किसी के पैसे लेने नहीं है, आपने लेने नहीं है किसी के पैसे, तो गिर भी जाए गिर भी जाए तो मैं, यानी मुझे अगर कहीं पे भी कुछ पैसा मिलता है तो मैं नियर बाय टेम्पल तक जाता हूँ, या तो गरीब को दे दूंगा, चलते फिरते किसी, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको इंडिया में तो ज्यादा परसेंटेज जरूरतमंद ज्यादा मिल जाते हैं, चलते फिरते किसी के हाथ में थमा दो, मंदिर में डाल दो। और भी एक तरीका है, मेरा एक दोस्त है शिवा नाम का, उसको जब भी पैसे मिलते हैं ना वो क्या करता है पता है, कुछ फ्रूट्स खरीदता है, वो इंसानों में बांट देता है, या फिर केले खरीद के गाय को खिला देता है। अब ये जो मैंने बताया ना, ये हमारे तरीके है, वो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, उसको क्या करे है ना। एंड भाग्य कोई किसी का लेके नहीं जा सकता। इनफैक्ट पैसे की बात आई है तो कभी मनी मेंटेलिटी पे मुझे पिन मारने में बात करूंगा आपके साथ, है ना। पैसे का कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी, जो कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति था ना जिसने 5 करोड़ जीते थे, उसने अभी 2 गाय खरीदी है और दूध बेच रहा है, 5 करोड़ 5 साल में बर्बाद कर दिए, अभी फिर से दूध बेच रहा है, बीवी ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया है ना, शराब के नशे में धुत हो गए। तो आसान नहीं दोस्तों, माता लक्ष्मी को स्वीकार, जिसे कहते हैं पानी के लिए, प्राप्त करने के लिए और संभालने के लिए माता सरस्वती का प्रसन्न होना जरूरी है। कभी इस पर बात करेंगे, आज के लिए ये रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। और टू यू क्षितिज बेटा।